फोन तो यही है पर सौम्या कहाँ है? शायद बाहर गई होगी। कमाल है नीता जी, मैं वही कह रही हूँ, पिछले 2 घंटे से वो गुलदस्ता वीरान पड़ा है, ऐसे धीरे धीरे हाथ चलाओगे तो हो गई ना शादी। क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? जल्दी हाथ चलाओ निकम, जाओ जाओ जाओ। आपने सौम्या को देखा है? नहीं तो क्यों? नहीं, मैं उससे आगे का प्लान डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं दिख नहीं रही। होगी यहीं कहीं, कहाँ जाएगी? सही कहा आपने, अगर वो कहीं जाती तो अपना फोन जरूर लेकर जाती। समझा, 1 मिनट आया मैं। दादी ने बताया पुराने जमाने में राजा के सर पे हमेशा कलगी लगाई जाती, इसीलिए शादी वाले दिन दूल्हे के सर पे भी कलगी सजाई जाती, क्योंकि उस दिन दूल्हा किसी राजकुमार से कम नहीं लगता। हम सोच रहे हैं इसमें एक पंख भी लगा लेंगे। भौजाई, क्या सोच रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, शूद्र की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगी शादी रूडी भैया की। मुझे याद आया ये देख के कि गोटा तो कमरे में ही रहेगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, पंख भी लेकर आते हैं। हाँ। पार्टनर, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो, हमारा किसी ने देख लिया तो छोड़ो। सौम्या कहाँ है? मैं कहाँ पता, हम थोड़ी ना उसके बॉडीगार्ड हैं, छोड़ो। या तो अनिका की एक्टिंग करते करते तुम ये भूल गई हो कि तुम इस घर में क्यों आई हो, या तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो। बात है, कहाँ हुआ, कहाँ है? सौम्या गायब है और यकीनन इसके पीछे शिवाय का हाथ है। उसे मेरे प्लान के बारे में पता है। उसे मेरे प्लान के बारे में तुमने बताया ना? पार्टनर बोरा गए होगा। मेरे प्लान के बारे में किसी और को नहीं पता था, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया था, और उसके बाद ही सौम्या गायब है। पार्टनर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं गई होगी, है? कल शादी है उसकी, पार्लर गई होगी। साबित करो कि तुम मेरी तरफ हो, मेरी पार्टनर हो। कैसे? सौम्या को ढूंढो। अगर कल तक तुमने सौम्या को नहीं ढूंढा तो मेरा तुमसे वादा है कि शिवाय कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा और तुम्हारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? वो देखो, मतलब अपने आप समझ आ जाएगा। ये मेरा आदमी है, ये तो बंदूक है ना? शिवाय के लिए। शिवाय की जान काहे लेना चाहते हो, है पार्टनर? बोलो। बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें शिवाय की? तुम तो मेरी मदद करना चाहती थी, तुम मेरी पार्टनर हो ना? कैसे बात करते हो, जिंदगी भर के लिए हम तुम्हारा पार्टनर है? ग्रेट, तो अब मेरी मदद तुम करोगी,
सौम्या को तुम ढूंढोगी। मंडप में भव्या नहीं सौम्या बैठेगी। मेरा ये सारा काम तुम करोगी। हम करेंगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं शिवाय को मार दूंगा, फिर नो शिवाय नो मनी, तुम्हारा पूरा प्लान चौपट। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो वैसे भी तुम्हारी मदद करने वाले थे, हैं? तो तुम ये सब नहीं करोगे, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी है। वेरी गुड, तो जाओ सौम्या को ढूंढो। अच्छा शिवाय, सौम्या कहाँ पे है? डोंट वरी ओके, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एट डांस वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने अपनी सौम्या को छुपाया कहाँ? यहाँ लोग डांस कर रहे हो, तुम्हें अपनी जासूसी की पड़ी। अरे जब तक सब कुछ पता ना चल जाए तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है क्या? थोड़ा डांस करो, ले ले कम ऑन। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, प्लीज मुझे बताइए कि सौम्या को कहाँ छुपाया आपने? किस चीज की चाबी? Excuse me. चलो चलो, अब लड़के इस तरफ और लड़कियां इस तरफ आ जाओ। क्यों? क्योंकि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। यू अब आप इधर आए और आप उधर जाए, चलो बॉयज। खन्ना। यस मैम। चलो सबके सेल फोन लो ताकि ये लोग एक दूसरे से बात भी ना कर पाए। यस मैम। नहीं मेरे पास नहीं है सब फोन। तू मुझसे मांगेगा? शिवाय थैंक यू। आंटी जी, हमें अपने पति देव से जरूरी बात करनी है। अब जो भी बातें करनी है ना शादी के बाद, नॉट नाउ। लेकिन ये तो दूल्हा दुल्हन के लिए रूल होता है ना, तो ऐसे तो रुद्र और भव्य को नहीं मिलना चाहिए। मैं और शिवाय तो मिल सकते हैं ना, है ना? और दोनों को भी मिला सकते हो। नहीं, मेरे को पागल समझ रखा है क्या? मैं नहीं जानती तुम लोग कितने खुराफती हो। तुम दोनों मिलोगे तो सबको मिलाओगे, इसलिए ना तो तुम दोनों मिलोगे ना गौरी और ओमकारा। अंडरस्टैंड? ओके, तो चीटिंग हो गई? हम चीटिंग नहीं करेंगे तो तुम लोग करोगे ना, इसलिए बाजी इस बारी हमने मार ली। इसलिए तुम तीनों इन तीनों से नहीं मिल सकते। अभी ये बहुत हो गया सच में। हमें सब कुछ जल्दी अपने कंट्रोल में लाना होगा, और कल भाभियों को किसी भी तरह शादी के मंडप से दूर रखना होगा।
वीर से कहाँ है क्या ये? ये लड़का भी ना चलो भाई अब सबसे पहले दुल्हन को मेहंदी लगानी शुरू करते हैं, बाकी सब जिसको लगवानी वो भी आ जाओ। आज आ जाओ प्रज्ञा इधर आओ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे कैसे भी करके सौम्य को ढूंढना है वरना शिवाय। लेकिन कहाँ ढूंढूं उसे? वो चाबी ही सौम्या तक पहुंचने का रास्ता है। सबसे पहले मुझे शिवाय से वो चाबी लेनी होगी। अनिका थूका चल दी। अब वो हम पिंकी आंटी जी जरा शिवाय से एक मिनट। भाई शादी तो हमने भी की थी पर इतनी बेसब्री कभी किसी को नहीं दिखाई। कोई शिवाय विवाय नहीं, यहाँ बैठो और मेहंदी लगवाओ। चलो भाई मेरी बहू को भी मेहंदी लगा दो। पिंकी आंटी जी बस एक मिनट में हम आई रहे। अरे कहीं नहीं जाना बोला ना, इतने बैठ और मेहंदी लगा बस। चल इधर आ जा। अब मैं क्या करूं, शिवाय से वो चाबी कैसे लूं? कैसा आदमी है ये, मेरे हाथ और कैनवस के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहे इसे। जल्दी करो, अगर तू इतना हिलेगा ना ये ठीक से नहीं होने वाला। चुपचाप बैठ। अच्छा सुनिए, मेहंदी सूख जाए उसके पहले लौंग का तेल लगा लेना, मेहंदी ज्यादा गहरी होती है। तू सब कुछ लौंग क्यों करना है, शॉर्ट का तेल लगा लेते हैं, खत्म करते हैं मसला। ये अगर ऐसे जोक्स मारेगा ना मैं इसकी शादी रोक दूंगा। चुपचाप लौंग का तेल लगा, रंग गहरा होना चाहिए। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रंग गहरा हो या पीला हो, नीला हो, मेरी शादी करनी है यार। अगले अगर रंग गहरा नहीं हुआ तो लोगों को कैसे पता चलेगा? क्या पता चलेगा? ऊपर आया बोले आराम से आराम से। पहले मेरा क्यों नहीं हो गया? पराया पराया शादी हुई नहीं है, पहले मुझे पराया कर दिया, ये भगवान मुझे बचा लो। छिड़ क्यों रहा है यार, मेहंदी लगाना इज अ गुड शगुन। वैसे ये शगुन सालियां करती है। हां तेरे केस में हमें करना पड़ा है, हाथ दो साले। क्या वो मैंने प्यार से बोला साले? प्यार से हम भी बोलते हैं। शट अप रुद्र। चल ये नहीं इस बार नहीं मारना। नहीं यार मेरे हाथ में मेहंदी है, मैं करूं। शादी है सिर्फ, इट्स ओके। तो क्या शादी है? शादी है ठीक है यार, मुनी को कोई नहीं डाल सकता। कभी कभी ये कड़वा घूंट पी लेना पड़ता है रोड़ी। क्या मेरी शादी होने वाली है, बर्बादी थोड़ी होने वाली है। हाँ। कितना ऑकवर्ड है मेरे लिए ये सब। नहीं इसमें ऑकवर्ड होने वाली कौन सी बात है यार, तू तू अपने मेहंदी के हाथों से वो रणबीर की स्टाइल में कर लेना। ओके अच्छा ये उपटन कब लगाना है? मेहंदी कम थी, उपटन कौन आ गया? तुझे उपटन नहीं पता? व्हाट? इसे उपटन नहीं पता? तुझे उपटन नहीं पता? सुन 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 उसका मिक्सचर सुन, इट्स फैंटास्टिक। हल्दी लेंगे हम, बेसन लेंगे हम, उसमें सरसों का तेल मिलाएंगे और तेरी पूरी बॉडी पे पोतेंगे हम। सरसों का तेल बॉडी पे फैंटास्टिक कैसे हो सकता है? नहीं लगाना पड़ता है यार, जिसकी शादी हो रही है उस पे लगाना पड़ता है। थोड़ी बहुत बास आती है पर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद ना वो फूल ले लेते हैं और दूल्हे के सिर पे ऐसे लगा लेते हैं। एंड इट इज इम्पोर्टेंट, ये करना पड़ेगा। ओके नहीं करना मुझे यार, कैसी बात हो रही है यार, क्या कर रहा है तू? व्हाट इज रॉन्ग? मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं भाभियों के पास, आप लोग मुझे दूल्हा नहीं दुल्हन बनाने वाले हो? पागल है क्या? लेडी संगीत चल रहा है। एंड बॉयज कांट गो। ओके बॉयज कैन नॉट गो। आई डोंट केयर। हट भाभी, डिड ही जस्ट से आई डोंट केयर टू अस? आई थिंक ही सेड इट टू यू। हां एनीवे इफ ही डजंट केयर देन वी डोंट केयर। आपके होने वाले पति का नाम क्या है? रुद्र। हमारे चिरौटे का नाम ओमकारा। क्या मेहंदी में तो पति का नाम होता है? हाँ मुझे पता है, लेकिन प्लीज आप वही लिखिए जो मैंने कहा है, प्लीज। जाते का यही मौका शिवाय से वो चाबी लेने का, मुझे कुछ करना होगा। थोड़ा नाच गाना हो जाए, ये भी कोई पूछने की बात है? हो जाए। सॉरी शिवाय, आपको बिना बताए सौम्या को बाहर निकालने जा रही हूँ, लेकिन सवाल आपकी जिंदगी का है इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं वीर और सौम्या की चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी।
शिवा प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।